अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ हमें ये हक देता है, हमें राइट देता है कि 18 साल की उम्र के बाद जब आदमी अडल्ट होता है, बालिग होता है, तो अपनी मर्जी से कहीं भी कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, कहीं भी शादी कर सकता है। और आप देखिए ना कितने लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, बहुत इने गिने लोग। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो कुछ जात के लोग, पहले टॉयलेट ऐसा नहीं होता था, लोग उसको गंदे को सर पर रख के लेके जाते थे। ऐसी महिलाओं को क्रिश्चियन लोग, अंग्रेज़ लोग उनके घरों में जाकर खाना खाते थे अपने पास बैठ के, और चर्चेज में लाकर बिठाते थे, उनका इलाज करते थे, तो वो सब क्रिश्चियन बन गई, मदद करते थे लोग। ये लोग उनके साथ बैठने को तैयार नहीं, उसको दूर, अगर उसने कहीं कुएं पे पानी निकाल लिया तो उसको जान से मार दिया जा रहा है, ऐसे लोग। तो सबसे पहले इंसाफ होना चाहिए, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता, ये सब बिल्कुल झूठ बात है। ज़बरदस्ती का आरएसएस, बीजेपी के लोग लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसकी जीती जागती मिसाल आगरा की है। आगरा में कुछ कबाड़ी लोग फुटपाथ पे थे जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, उनको बेवकूफ़ बना के ले गए और हवन कर रहे थे, वहाँ हवन में चिल्ला कर कह दिया ये सब हिंदू हो गए। किसने किया था ये? अलीगढ़ में मंच लगा कर ये कहा कि 5 लाख से 15 लाख रुपये देंगे और तुम धर्म परिवर्तन करो, और जो चिल्ला कर आओ आओ तुम, तो पहले आप सब लोग हिंदू थे, घर वापसी करो। कौन कह रहा है ये सब? वही लोग कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि हम आदम बाबा की औलाद हैं, सभी मुसलमान पैदा हुए थे, सब आके मुसलमान बन जाओ, आज तक नहीं सुना। 1000 साल तक मुगलों ने राज किया इस देश में, जो तादाद मुसलमानों की उस वक्त थी आज भी वही है, कोई बड़ी नहीं है। ये सब नफरत के पुजारी हैं, देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस देश में 30 लोग भारतवर्ष का नया एक संविधान लिख रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। ये धब्बा हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म मोहब्बत सिखाता है, ये लोग सिर्फ हिंदुत्व को इस्तेमाल करके देश में नफरत कर रहे हैं। और ये बहुत ही मुमकिन है कि हमारी हालत भी जो है ना किसी कहीं श्रीलंका जैसी न बन जाए। सारे देश के लोगों को जागृत होना चाहिए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान की रक्षा करना चाहिए। जिहाद, लव जिहाद के नाम से संगठन बनाए, मेरी गारंटी है कि पूरे देश में अगर कोई लव जिहाद नाम से संगठन हो और कोई संगठन 50,000 रुपये अच्छे कपड़े, चश्मा, मोटरसाइकिल देकर गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाने की बात करती हो तो मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। बिल्कुल झूठ है ये। NIE में केस हुआ था, NIE ने केस किया था केरल के अंदर, इंक्वायरी किया और कहा ऐसी कोई संगठन नहीं है। ये लोग नफरत के पुजारी हैं, ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हला पता है हलाला, ये इस्लाम में जो कानून हलाला का है, अगर किसी लड़की का तलाक हो गया है, दोबारा उससे शादी करना है तो ओरिजिनल मैनेज करके नहीं, उस बच्ची की शादी कहीं और हो जाना चाहिए और फिर उसकी ओरिजिनल फिर से उसका तलाक वहाँ से हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैनेज करके किसी को समझा के तू शादी कर बाद में तू छोड़, बिल्कुल नहीं, गलत है, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। फिर वो लड़की का निकाह, तलाक हो जाए और फिर लड़की फ्री हो जाए, और ये लड़की लड़के जो पहले थे वो फिर से शादी करना चाहें तो शादी कर सकते हैं। ये बहुत ही मुश्किल डगर है, ये लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, निंदा करता हूँ मैं इनकी।